एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे, मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है, मतलब हो गया बहुत टाइम वो जा चुकी है, उसको छोड़ के आ गए। और आज पापा का वर्क फ्रॉम होम है तो वो चले गए वो वर्कआउट करने के लिए। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, करेला बना रही हूँ, रोटी बनाऊँगी, फिर राइस बन गया, दाल बन गया, फिर मैंने मिर्ची का अचार बनाई हूँ, फिर बीन्स और आलू। एक्चुअली हमारा घर में ना सिर्फ बीन्स आलू चल रहा है, क्योंकि लाया ही इतना सारा बीन्स तो लेके आया तो खाना ही पड़ेगा ना। और सुबह बेबी को दिया हूँ कुछ स्नैक्स वगैरह, फिर पॉपकॉर्न पैक करके दे दिया घर से, तो उसको पराठा खिला के भेज दिया था क्योंकि स्कूल लेके नहीं जाना था। और जैसे कि कल मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे मैंने कुछ लेके आई हूँ कुरियर करने के लिए, और यहाँ पे रेडी करवा रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। ये यहाँ पे है विनर का प्राइस, यहाँ पे वहाँ पे मेरी बेटी का बेबी पड़ा हुआ है। और पता है क्या किया है उसने, एक मिनट आप लोग को दिखा दे दूँ। देखो, बोल रही है कि आईब्रो बना दिया है, आईब्रो आई लैशेस वगैरह पूरा बना दिया है। तो अभी ये सारा चीज़ें पैक करूँगी, पापा आएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे, ये जाके कुरियर करूँगी। फिर आते समय मुझे लेके आना है मिल्क मेरे बेबी के लिए। देखो यहाँ पे फिर और एक निकल गया है, ये मार्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये तो पिंपल्स का है। तो चलिए मैं ये सारा चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, फिलहाल एड्रेस वगैरह ये सारा चीज़ें लिख लेती हूँ। और मुझे जाना है सेलो टेप खरीदने के लिए, कल नहीं मिला था तो पापा को पहले आने दो, उसके बाद मैं इससे जितना हो पाता है पैक कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। चलो पैक करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे गिव अवे का पैकिंग कर लिया हूँ, लेकिन जो थर्ड प्राइस है उसको घुसाने में थोड़ा दिक्कत सा हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही टेम्पररी मैंने यहाँ पे सील करके रखी हूँ, जाके मुझे फिर से एक टैप लेके आना पड़ेगा सेलो टैप, फिर जाके पूरा पैकेट, ये जो पैकेट है पूरा सील करना पड़ेगा मुझे। और इधर बन रहा है खाना, वो अभी तक पका नहीं है, वहाँ पे करेला फ्राई हो रहा है, और बनाना है मुझे रोटी अभी चापटी, तो वो बनाऊँगी अभी। तो मेरी जो कुकिंग है वो हो चुकी है, मैंने रोटी बना लिया, अब मैं जा रही हूँ सेलो टेप लेने के लिए कुरियर, उसके बाद हम लोग घर से निकल जाएंगे। पहले पापा का मीटिंग चलेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर जैसे कुरियर पोस्ट करके आ जाएंगे फिर आलू को लेने के लिए टाइम हो गया। और कल का जो वीडियो था ना वो मैंने एडिट भी नहीं किया, कल आलू को सुलाते सुलाते मैं खुद सो गए। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा ही पैक कर लिया, ये देखो सेलो टेप से पूरा मैंने सील कर दिया, अब कहीं पे फटने उठने का डर नहीं है, आई होप कि अच्छी तरह कैसे पहुँच जाए। और पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो हम लोग निकल रहा है ये देखो कुरियर करने के लिए, और मेरी बेटी का स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है, उसको पिक करके भी आना पड़ेगा अगर टाइम हो जाता है तो, अगर वो पहुंच जाती है स्कूल में। और मिल भी लेके आना है ना कि शाम को शायद। तो चलिए फिलहाल तो चलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस तो आए हम लोग, ये रहा, लेकिन लाइट नहीं है, बोल रहा है कि पावर 3 बजे तक नहीं आएगा, तो फिर से वापस जाना पड़ रहा है। अब फिर से कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कल पापा का ऑफिस है। हम लोग का जो घर का पास में जो पोस्ट ऑफिस है वो 12 बजे के बाद खुलता नहीं है, उसमें सिर्फ लेटर आता है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं अकेला आना पॉसिबल नहीं है पापा के बिना, तो कल तो पापा ऑफिस चला जाएगा ना, तो अभी सीधा जाएंगे आरू को पिक करेंगे, टाइम हो गया।
हम लोग घर पहुंच चुके हैं, आरू को भी लेके आ गया। हम लोग एकदम ठीक टाइम पे पहुंच गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग पहले ही पहुंच गए, वैसे वो लोग पहले ही पहुंच गए थे। हम लोग जब स्कूल के पास पहुंचे थे तो बस से उतर रहे थे वो लोग, तो एकदम परफेक्ट टाइम पे हम लोग स्कूल पहुँचे। तो आज तो हुआ नहीं है, फिर आप लोग को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गई तो थी पर क्या करें, वहाँ पे पावर नहीं है, बोला 3 o'clock तक पावर नहीं होगा और शाम तक तो वो लोग पोस्ट ऑफिस ही बंद कर देगा, तो रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं था। जब मैं पोस्ट कर दूँगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी कि कुरियर हो गया बोल के, तो आप लोग को और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी आरू को चेंज करा के मुझे वो उसका क्या बोलते हैं जो रूटीन है स्कूल से आने के बाद, उसको खाना खिलाना, नैप, ये सारा चीज़ें करना है। अभी नैप लेके उठ चुके हैं हम लोग, नैप लेके मतलब मैं सोई नहीं हूँ, ये सोई है क्योंकि स्पोर्ट खेल के आई है, थक गई है, तो नींद लेना तो बनता है, रेस्ट लेना। तो आज मैंने फिर से चाय बनाई हूँ, पता नहीं आज का तो उस दिन का तो कुछ ज़्यादा ही कड़क चाय हो गया था, आज देखते हैं। ये देखो एक्चुअली वो मैं नहीं पीऊँगी, ये मत सोचना कि 2 glass है और मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं पीऊँगी। और यहाँ पे मैगी बनाई हूँ, वहाँ पे एग्स है और वहाँ चाय बिस्किट, नीचे बैठ के खा रहा है, पी रहा है। ये है चाय, ये देखो, एक मिनट, हाँ गरम गरम धुआं निकल रहा है। आज फिर से आरू का स्केच बन रहा है, यहाँ देखो पापा ड्राइंग करते हुए बार बार यहाँ पोजीशन चेंज करते हुए। दिखाओ कहाँ तक पहुँचा है। फिर चेंज हो गया पापा, पापा हाथ फिर से चेंज हो गया, छाती पे चला गया। पापा को ऑफिस का काम के बीचों बीच ड्राइंग करना पड़ रहा है यहाँ की। ये देखो बन गया है स्केच, हेयर स्टाइल, ड्रेस में फ्लावर और यहाँ लेग, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे। तो हम लोग फिर से रेडी हो चुके हैं चौमिन वमिन खा के, डिनर थोड़ा बहुत रेडी है, आके रोटी बनाना पड़ेगा, मिल्क लेने के लिए जा रहा है हम लोग। बार बार पापा का फोटो देख के हंस रही है, लेट लेट के हंस रही है, बार बार उधर पापा का फोटो देख रही है। नहीं दिखाऊंगी मैं, पर्सनल चीजें पर्सनली रहने दो। मेरे पास नहीं है, उसको देख लो। जब से पापा का फोटो देखा तब से हंस रही है और पूछ रही है, पापा फनी, पानी फा पा रहे, पापा वहाँ पे बहुत फनी दिख रहा है बोल रहा है। तो गाइस मैं पापा को बोला कि चाउमीन खाऊंगी फिर से, क्योंकि पापा घर में बैठा है तो, और बाहर भी आए हैं हम लोग मीट लेने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि चाउमीन खा के मैं फिर से ऐसे सो जाऊंगी। दिन को ना मैंने मिर्ची का चटनी बनाया, वही चटनी का साथ खाने के लिए, तो पापा गया है चाउमीन लेने के लिए नॉनवेज चाउमीन, फिर चाउमीन पिक करके हम लोग फिर मिल्क लेने के लिए चले जाएंगे, फिर जाएंगे सीधा घर और जाके बनाऊंगी फिर रोटी में पापा के लिए। इसको देखो खाली पापा, पापा क्या बोल रहे हो, क्या हुआ, पापा इज कमिंग, तो पापा का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये ही पोस्टर का पीछे है तो हम लोग नहीं जा रहे उधर। ओके गाइस, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, यहाँ मैं मिल्क भी बॉईल कर रही हूँ, अपना जो डिनर है वो भी प्रिपेयर हो चुका है, दाल सिर्फ दाल गरम कर रही है, रोटी बन चुका है, अब मैं तो चाउमीन खाऊंगी, पापा रोटी और राइस खाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।